वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप iQube Z6 Lite 5G मोबाइल को वन हैंडेड मोड में आप कैसे यूज कर सकते हैं या फिर वन हैंडेड मोड आप कैसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। इसके लिए iQube Z6 Lite 5G मोबाइल फोन की सेटिंग्स में आकर आपको आना है नीचे। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का, इस पर करना है क्लिक। तो इसमें आपको आना है नीचे। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है वन हैंडेड का, इस पर करना है क्लिक। अब देखिए दोस्तों, वन हैंडेड मोड को ऑन करने के लिए एक्सेस मिनी स्क्रीन यूजिंग गेस्चर, आपको यहां पर क्लिक करके सेटिंग्स को ऑन करना है। अब देखिए जब वन हैंडेड मोड में यूज करेंगे तो क्या होगा, आपका फ़ोन लगभग दोस्तों आपके फ़ोन के आधे स्क्रीन में सेट हो जाएगा पूरा स्क्रीन, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब ऑन रहेगा तो आपका फ़ोन का स्क्रीन आधे में ही सेट हो जाएगा। पर आप इसे ऑन कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है आपको दोस्तों। पावर बटन से दोस्तों फिंगर को टच करके ले जाना है राइट साइड की ओर, और फिर राइट साइड से आपको लेफ्ट साइड की ओर पावर बटन तक लाना है। तो जब आप जो है पावर बटन से टच करके राइट साइड की ओर लाकर फिर लेफ्ट साइड की ओर करके पावर बटन तक फिंगर को ले जाएंगे तो आपका मोबाइल दोस्तों वन हैंडेड मोड में दोस्तों हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों आपका स्क्रीन दोस्तों फोन के पूरे स्क्रीन के आधे स्क्रीन पर ही सेट हो जाएगा। हालांकि ये जो है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसे सपोर्ट नहीं कर पाता है, पर एक्चुअल में मेरे मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन अभी जो है हमारे फ़ोन के आधे स्क्रीन में ही सेट हो चुका है और आधे स्क्रीन में ही हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि साइड वाले इमेज में आप दोस्तों देख सकते हैं, मेरे फ़ोन का स्क्रीन दोस्तों आधा हो गया है क्योंकि वन हैंडेड मोड हमने इसे मोड हमने ऑन कर दिया है और अब जो है हम अपने फ़ोन को वन हैंडेड मोड में यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से वन हैंडेड मोड को आप ऑन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। फिर देखिए वन हैंडेड मोड को हटाना है तो ऊपर आपको यहाँ ये एक्स का निशान मिलेगा, इस एक्स वाले निशान पर क्लिक करिएगा तो फिर वन हैंडेड मोड से हट जाएगा, फिर आपका मोबाइल फुल स्क्रीन में हो जाएगा। इस तरीके से वन हैंडेड मोड को आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं या वन हैंडेड मोड में यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।